तो हेलो गाइस, यार कैसे आप सभी लोग। एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आपके अपने चैनल रॉक म्यूजिकल पर। तो आज की वीडियो में हम एक माइक की अनबॉक्सिंग करने वाले, एक लोकल माइक में आपके लिए लेके आया हूँ, साउंड हेवन का, ठीक है, जो कि आपको मार्केट से 300 या 400 रुपए में मिल जाना चाहिए। आई गेस इवन सस्ता ही 250-300-400 रुपए के अंदर मिल जाना चाहिए, है ना। तो इसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, प्लस इसकी क्वालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में अनबॉक्सिंग करी थी अपने JBL की माइक की, जो कि मैं यूज करता हूँ और जो कि थोड़ा एक एक्सपेंसिव माइक है एंड सिंगिंग के पर्पज से बहुत अच्छा माइक है वो। तो हम इसकी भी आज एक बात कर लेते हैं। लोगों ने कहा कंपैरिजन वीडियो में ना, तो वो भी मैं एक बार JBL और इसकी कंपैरिजन वीडियो जो है मैं आके डालूंगा, पर एक बार इसकी एक बार हम क्वालिटी इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस माइक का नाम मैं पहले आपको बता देता हूँ। माइक का नाम है DM888, ठीक है, डायनेमिक माइक्रोफोन, ऐसा कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा है। तो ये जैसा मैंने बताया कि एक लोकल माइक है, तो साउंड ऑफ हेवन कंपनी का नेम है एंड DM888 इसका ये माइक है। और माइक मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ, साउंड ऑफ हेवन, ठीक है। और उसके अंदर जो माइक है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये माइक है साउंड ऑफ हेवन DM888, ठीक है। ये इसके अंदर आपको एक स्विच मिल जाएगा, ठीक है, ऑन या ऑफ का, ठीक है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो भाई क्वालिटी बहुत ही एक हल्का सा माइक है, काफी लाइट फील हो रहा है मेरे को, है ना। और मैंने इसको पर्सनली यूज किया है, पर्सनली मुझे ये माइक जो है एज अ बिगनिंग ठीक है, पर एज अ शो में तुम यूज करना चाहते हो, एज अ जैमिंग में यूज करना चाहते हो, तो भाई मेरे ख्याल से इससे अच्छा एक माइक लगेगा JBL लगेगा तुम्हें, जो कि मैंने इसके बाद अपग्रेड करके मंगाया है। उसकी भी मैं कंपैरिजन वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, ठीक है। और इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ये जो चीज है ये सारा प्लास्टिक है, JBL में सारा मेटल का रहता है, ठीक है। और प्लस इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये देखो इसकी वायरिंग वगैरह भी ऐसे ही, यहाँ से हम आर पार देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसमें नहीं दिखेगा, पर इसकी वायरिंग भी हम ऐसी ही देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक प्लगइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि हर माइक में ऑब्वियसली रहता ही है, कॉर्डलेस नहीं है, कॉर्ड वाला माइक रहता है, ठीक है। और क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस रेंज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ 350-350-400 रुपये में, तो एक अच्छा माइक है। बट अगर वैसे एज अ प्रोफेशनल अगर आप यूज करना चाहते हो, कवर सॉन्ग्स बनाना चाहते हो, रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, या फिर अपने पीसी से कनेक्ट करके भी डायनेमिक माइक यूज करना चाहते हो आप, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। और इसके बारे में और क्या ही बताऊं, इसके अंदर 3-4 कलर अवेलेबल रहते हैं, इसके अंदर ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ग्रे कलर जो है मिल जाएगा आपको। और प्लस अगर आप एक स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उस पर्पस के हिसाब से ठीक है, बाकी एम्प इसके साथ भी आपको एक चाहिए होगा, और कॉर्ड जो है इसकी वो अलग से आपको लेनी होगी। तो 300-400 रुपए में आपको ये माइक मिल जाएगा, एक कॉर्ड मिल जाएगी 150-200 रुपए की, तो आपको 550-600 रुपए में एक सेट पूरा हो जाएगा, है ना। बाकी JBL में मैं आपको एक बार ही उसकी अनबॉक्सिंग दिखा चुका हूँ ऑलरेडी पिछली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक बार इन दोनों का कंपैरिजन का वीडियो डालूंगा इसका, जिसको साउंड चेक करना है कैसे साउंड करता है, वीडियो के एंड में ऊपर पॉपअप में राइट में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जो कि मैंने इस माइक से गाते हुए रिकॉर्ड करा है। तो आपको एक बार ये आइडिया लग जाएगा कि कैसा जो है साउंड ये माइक जो है प्रोड्यूस करता है। तो आई होप आपके जो सभी डाउट्स है, जो आपके कमेंट्स है, वो क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके बाद हम दोनों के कंपैरिजन वीडियो में मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें राहुल म्यूजिकल को एंड म्यूजिक से जुड़े रहें। बाय गाइस।